एक दौर था जब टीवी पर दिल से दिल तक प्यार की कहानी जैसे शोज यूथ के बीच पॉपुलर हुआ करते थे, लेकिन जब से वेब सीरीज ने इंडिया में दस्तक दी है तब से यूथ के बीच वेब सीरीज का क्रेज कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। खास तौर पर जब वेब सीरीज की बिरयानी देसी तड़के के साथ मिलती है तो कोई भी खुद को रोक नहीं पाता। 2019 की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज में से एक मिर्जापुर 2 भी है, जो फुल देसी तड़के वाली डिश है और जिसका इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज मिर्जापुर को धमाकेदार रिस्पांस मिलने के बाद इसके दूसरे पार्ट की शूटिंग भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और सीरीज कब रिलीज होगी इसकी कोई खबर नहीं है। ऐसे में हर कोई जानने को बेताब है कि मिर्जापुर 2 में क्या होगा। तो बता दें, मिर्जापुर 2 की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है और इसका ट्रेलर भी जल्द रिलीज कर दिया जाएगा। मिर्जापुर 2 के फिनाले एपिसोड में कहानी इसके किरदारों को ऐसे मोड़ पर ले आई थी जहां से उनका आगे का रास्ता आसान नहीं होने वाला है। ये कहानी कई कहानियों में बढ़ती जा रही है, हर कोई अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए अपना उल्लू सीधा करने में लगा है। ऐसे में मिर्जापुर में क्या क्या ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। फिनाले एपिसोड से इतना तो साफ था कि दूसरे पार्ट में कालीन भैया के लिए मिर्जापुर की गद्दी संभालना मुश्किल हो जाएगा। कालीन भैया का सबसे भरोसेमंद गुड्डू ही उनके खिलाफ खड़ा हो गया है, जो इस लड़ाई का सबसे बड़ा चेहरा है। अब कालीन भैया को एक के बाद एक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मिर्जापुर के पहले पार्ट में मुन्ना त्रिपाठी गुड्डू और बबलू पंडित के खिलाफ साजिश रचता है। कालीन भैया पर हुए हमले का आरोप गुड्डू और बबलू के सिर आ जाता है। कालीन भैया मुन्ना को गुड्डू बबलू के सफाए के लिए गोरखपुर भेजते हैं। यहाँ मुठभेड़ में बबलू पंडित और स्वीटी की जान चली जाती है। वहीं गुड्डू भी घायल हो जाता है, लेकिन वो अपनी बहन डिम्पी और गजगामी के साथ बच निकलता है। भाई और प्रेमिका को खोने के बाद गुड्डू पंडित कालीन भैया के साम्राज्य को तहस नहस करने की फिराक में है। वहीं क्योंकि मिर्जापुर में अब कालीन भैया का एक छत्र राज है, तो मुन्ना त्रिपाठी के पास यादव जी से होली के दिन मारे थप्पड़ का बदला लेने का भी अच्छा मौका होगा। इस थप्पड़ के बाद कालीन भैया भी यादव के खिलाफ खड़े हो गए थे। रति शुक्ला का बेटा शरद आखिरी एपिसोड में दिखा है। संभव है कि वो अपने पिता की जगह संभाले और उनकी हत्या का बदला ले। हालांकि शुरू में ही दिखाया गया था कि शरद रति के काम को संभालने में बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। वहीं एसपी मौर्या के किरदार को भी आगे जारी रखा जा सकता है। मिर्जापुर के सीजन 2 में रति के बाद 3 बड़े मोर्चे बनते दिखाई दे रहे हैं। एक कालीन भैया और मुन्ना त्रिपाठी का, दूसरा रति के बेटे शरद शुक्ला का और तीसरा गुड्डू पंडित का। मिर्जापुर का असली बादशाह कौन बनेगा, इसके लिए इन तीनों के बीच जंग हो सकती है। दूसरी ओर कालीन और मुन्ना से बदला लेने के लिए गुड्डू और शरद भी हाथ मिला सकते हैं। कुल मिलाकर इस वेब सीरीज का दूसरा पार्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ एक ट्विस्ट निकल कर ये भी आ रहा है कि वेब सीरीज की फीमेल कैरेक्टर्स का क्या होगा। कुछ समय पहले कालीन भैया और मुन्ना अमेज़न प्राइम की एक वेब सीरीज हैना को प्रमोट करते नजर आए थे। वीडियो में मुन्ना भैया कहते हैं कि यही होगी प्रिंसेस ऑफ मिर्जापुर। अब अगर इसे सिर्फ प्रमोशन के तौर पर लिया जाए तो इसका मिर्जापुर 2 से कोई लिंक नजर नहीं आता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं वेब सीरीज के प्रमोज भी कई बार उनके ट्विस्ट की ओर इशारा करते हैं। तो अगर इस बात को ध्यान में रखें तो मिर्जापुर 2 में कोई फीमेल कैरेक्टर भी मिर्जापुर पर अपना हक जमाने सामने आ सकती है, लेकिन वो रसिका दुग्गल होगी, श्वेता त्रिपाठी या कोई और फीमेल कैरेक्टर सीरीज में देखने को मिलेगी। इसका खुलासा ट्रेलर रिलीज के बाद ही पता चल पाएगा। तो ये थी मिर्जापुर 2 की प्रिडिक्शन स्टोरी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल क्रिस क्रॉस इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।